आज देखते हैं बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ चिकन विंग्स ली हूँ, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो ली हूँ एंड इवन थोड़ा सा ना वार्म वाटर से भी क्लीन कर ली हूँ, क्योंकि ये तो डिलीवर्ड हो रहे हैं, अभी लॉकडाउन है घर पर, तो मैंने सोचा कि बाहर से आया हुआ चीज़ है उसको अच्छे से गर्म पानी से भी मैं धो ली हूँ। एक होता है कि गर्म पानी से धोने से बहुत अच्छे से ये यू नो ऑलरेडी कुक। ये यहाँ पे है जो मैरिनेटेड चिकन लॉलीपॉप मैं रखी थी, अभी मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये एक बड़े बर्तन मैं ले ली हूँ और इसको मैं इसमें डालकर इसमें कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। नमक इस पॉइंट पे अगर आप लगता है शुरू में नमक कम दिए हैं तो अभी थोड़ा नमक डाल दीजिए, क्योंकि ये कॉर्न स्टार्च ऑलमोस्ट आप 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च आपको लगेगा। ज़्यादा डीप कोटिंग नहीं करना है, उतना ज़्यादा हैवी कोटिंग करने से एकदम पूरा मतलब चिकन मिलता ही नहीं है, कोटिंग के अंदर छुप जाता है, तो लाइट सा कोटिंग करना है। कोई पानी वानी नहीं डालना है, अंडा था ऑलरेडी एंड इसको इसी कॉर्न में हम लोग मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं, लेकिन जस्ट मिनिमम कवर करने के लिए ऐसे, तो इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एंड देन इसको डीप फ्राई करेंगे ऑयल में। ये हो गया है मैरिनेशन, अभी मैं इसको डब्बे में भर के रख दूंगी फॉर अराउंड 10 मिनट्स, उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। ये यहाँ पे है जो मैरिनेटेड चिकन लॉलीपॉप मैं रखी थी, अभी मैं इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये एक बड़े बर्तन मैं ले ली हूँ और इसको मैं इसमें डालकर इसमें कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च ऐड करूँगी। नमक इस पॉइंट पे अगर आप लगता है शुरू में नमक कम दिए हैं तो अभी थोड़ा नमक डाल दीजिए, क्योंकि ये कॉर्न स्टार्च ऑलमोस्ट आप 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च आपको लगेगा। ज़्यादा डीप कोटिंग नहीं करना है, उतना ज़्यादा हैवी कोटिंग करने से एकदम पूरा मतलब चिकन मिलता ही नहीं है, कोटिंग के अंदर छुप जाता है, तो लाइट सा कोटिंग करना है। कोई पानी वानी नहीं डालना है, अंडा था ऑलरेडी एंड इसको इसी कॉर्न में हम लोग मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं, लेकिन जस्ट मिनिमम कवर करने के लिए ऐसे, तो इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ एंड देन इसको डीप फ्राई करेंगे ऑयल में। यहाँ पे हमारी तेल गरम हो गई है, अभी मैं ये जो ड्रम स्टिक्स है इसको वन बाय वन, ये देखिए ये ना ऐसे कंसिस्टेंसी पे है, ज़्यादा ज़्यादा कोटिंग भी नहीं है, तो मैं चिकन को नीचे की तरफ पुश करके इसको थोड़ा राउंड बना के वन बाय वन छोड़ती रहूँगी। इसको आप ऐसे स्टार्टर ऐसे ड्राई भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो कोई सॉस में आप टॉस करके एज अ मेन कोर्स भी इसे सर्व कर सकते हैं। गैस को एकदम स्लो धीमे आंच पे ही रखना है, क्योंकि ये चिकन कच्चा है तो इसको फ्राई होते होते कुक भी होना है, तो उस हिसाब से हम लोग गैस को बहुत धीमे आंच पे ही रखेंगे। फर्स्ट बैच में ऐसे ही मीडियम फ्लेम, अभी तो स्लो ही है एकदम फ्लेम, ऐसे मैं कुक कर लूंगी, ऐसे करके मैं सेकेंड बैच भी कुक कर लूंगी।
आज तो मैं सिर्फ स्टार्टर के हिसाब से इसको सर्व करूंगी, तो कोई सॉस नहीं बनाऊंगी। वैसे डोमिनो स्टाइल चिकन विंग्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो जैसे मैंने चिकन विंग्स का सॉस बनाया था, वैसे सेम वे में आप इसका भी सॉस बना सकते हैं। अभी 2-3 मिनट हो गया है, अभी मैं इसको पलट दूंगी, ये विंग्स लॉलीपॉप को स्लो फ्लेम में ही है अभी भी। अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम में कर दूंगी जैसे ही मैं सारा पलट दूंगी। वैसे जैसे नॉर्मल पकोड़ा फ्राई करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। ये देखिए ये कितना अच्छा से गोल्डन कलर में फ्राई भी हो गया है, तो अभी मैं इसको वन बाय वन रिमूव भी करती चलूंगी। अगर आप इसको एज अ स्टार्टर सर्व करेंगे तो ऐसा क्रिस्पी गोल्डन करके फ्राई कीजिए, अगर आप इसको ग्रेवी में टॉस करेंगे तो इतना ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रेवी में फिर ग्रेवी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अच्छा नहीं लगता है। तो इसको ऐसे स्टार्टर के हिसाब से सर्व करूँगी, तो मैं इसे बहुत अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी। अभी मैं सेम प्रोसेस में सेकेंड लॉट भी इसमें डाल दूंगी। फ्लेम को स्लो में रख के वन बाय वन ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी, देखिए पूरा क्रिस्पी है ये। ऐसे मैं विद एनी सॉस, शेजवान सॉस, टोमेटो सॉस, जो भी है आपका पसंदीदा सॉस, उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं।